तो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के में अपने घर की कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। और जिसने फर्स्ट पार्ट अब तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे देख लेना। तो फिर क्या सोचा है तुमने हमारे बारे में? यार मैंने तो सब सोच रखा है, बस मेरी एक बार लाइफ सी सेट हो जाए फिर हम भी शादी कर लेंगे। तो यार कब होगी तुम्हारी लाइफ सेट? ऐसे तो मैं अपने घर वालों को भी हमारे बारे में नहीं बता सकती। क्यों यार, बता क्यों नहीं सकती तू? यार जब मेरे घर वालों को पता चलेगा तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से हो तो वो क्या सोचेंगे? तो यार इसमें क्या बात हुई, मैं अपनी लाइफ को अच्छे लेवल पे सेट करने की कोशिश कर तो रहा हूँ। बस एक बार जॉब लग जाए फिर घर भी बनवा लूंगा और बहन की शादी भी करवा लूंगा और फिर हम अपनी शादी की बात कर लेंगे। अपनी बहन की शादी भी तुम कराओगे? तुम्हारे पापा नहीं करा सकते? यार देख, मेरे पापा ने मेरे को पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, अब तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना सब। बस यार मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हमारी बात नहीं बन सकती। तो जो हम रात को 2-2 बजे तक बातें करते थे वो क्या था? वो मेरे को नहीं पता, हमारा साथ बस यहीं तक था। यार ऐसे टाइम पे मेरे को तेरे साथ की बहुत जरूरत है। बस यार अब नहीं यार, मैंने तो बहुत ट्राई कर लिया लेकिन कई बात नहीं बन रही, तभी मैंने तेरे को कॉन्टेक्ट किया है। वैसे सही बात है, बंदा एक दूसरे का काम नहीं आएगा तो फिर कौन काम आएगा? तो फिर यार करवा दे मेरी कहीं जॉब की बात। एक काम कर सकता है? हाँ भाई बोल। तू एक काम कर, अपना रिज्यूम लेके मेरे पास आ जा, कहीं ना कहीं तो बात सेट करवा ही दूंगा तेरी। कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरे को तू जब भी कहेगा मैं आ जाऊंगा तेरे वहाँ। बस तो फिर तू मंगलवार को मेरे पास आ जा। ठीक है भाई। हेलो। हाँ भाई मैं बस स्टैंड आ गया हूँ, बता कहाँ पे आऊँ? सॉरी यार गगन, मैं तो कल ही आउट ऑफ सिटी आ गया एक हफ्ते के लिए, अब एक हफ्ते बाद ही मिल सकूंगा यार। यार तू ऐसे मत बोल, मैं तेरे पास बहुत ही ज्यादा उम्मीद लगा के आया हूँ। मैं भी क्या करता यार, मेरे को अर्जेंट काम आ गया था तो मेरे को आना जरूरी था। तो एक काम कर, तू वापिस चला जा। अगर मैं इस बार भी बिना जॉब के घर चला गया तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे? उन्हें तो यही लगेगा कि मेरे अंदर ही कोई ना कोई गलती होगी, इसलिए इसकी जॉब नहीं लग रही। और इस बार तो पापा को पक्का विश्वास दिलवा के आया हूँ कि बिना जॉब के वापस नहीं आऊंगा। भाई बहुत देर तक देख रहा हूँ तने, कुछ ज्यादा दुखी लग रहा है, कुछ नहर नूर में कूदना प्रोग्राम तो नहीं तेरा? अरे नहीं भाई साहब, जिसको अपनी जिंदगी डूबी हुई दिख रही हो वो इस नहर में क्या डूबेगा? भाई तू ज्यादा परेशान लग रहा है, कहीं का रास्ता तो नहीं भूल गया? रास्ते पे तो सही चलता हूँ लेकिन मंजिल ही नहीं मिलती और ऊपर से वो रास्ता ही खत्म हो जाता है। बात तो सही तो यूँ लग रहा है भाई, तू एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है जिसके सिर पर जिम्मेदारियां का बोझ है, तू इसी शहर का है? नहीं मैं तो यहाँ सिर्फ जॉब के लिए आया था, लेकिन मेरे एक दोस्त ने मेरे को यहाँ बुलाया और कहता
अरे भाई, ये तो दुनिया का असली रूप है। तो एक काम कर, वापिस चला जा। अगर मैं घर वापिस चला गया तो इस बार मेरे घर वालों की फिर उम्मीद टूट जाएगी कि मैं इस बार फिर जॉब के बिना घर चला गया। अच्छा, तो तू कुछ भी काम कर लेगा? हाँ जरूर, बस कुछ गलत काम ना हो, क्योंकि मेहनत करने से मैं नहीं डरता। अरे छोटे भाई, अपना विश्वास करके देख लिया, एक गैर पे भी करके देख ले, मन मानने तो आजा बैठ गाड़ी में। देख भाई, यो है मेरा गोकुल डेयरी फार्म। जब तक तेरा जी चाहे, जब तक तू काम कर ले, और सैलरी 15,000 दे दूंगा। बता, कर लेगा काम? हाँ जी भाई साहब, कर लूंगा, बस मेरे को एक दो बार काम समझा देना। अरे उसकी चिंता ना करे, वो तो मैं बताए दूंगा तेरते। और सुन, जो कमरा डाल रखे है यहाँ आराम कर रहे, खान पीन की कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, साथ के साथ अपनी नौकरी भी ढूंढता रही हो। भाई साहब, आज के टाइम में मैंने सुना था कि अपने पराए और पराए अपने होया करें, और आज देख भी लिया। अरे तू टेंशन ना ले, तू दिल का सच्चा इंसान है भाई। भगवान ने तेरे कुछ बड़ा ही सोच रखा होगा। तू आज आराम कर ले और कल तक काम शुरू कर दिए, ठीक है? ठीक। यार एक बात बताऊं, शहर है ना सुना सुना लग रहा है मोटे के बिना। मोटा? अबे ये मोटा कौन है? अब अरे अपना गगन। अबे यार तू भी ना उसके रोज के नाम निकाल देता है। रोज के कहां है, एक ही तो परमानेंट नाम है उसका। चल छोड़, फोन मिला उसे, पता कर कहां पे है। वो तो याद करता नहीं हमें। बेल जा रही है, अभी उठाएगा। हेलो, अरे क्या हाल है? तू तो याद करता नहीं, सोचा हम ही याद कर लें। बस भाई, तुम वहाँ एंजॉय कर रहे हो, मैं यहाँ पे। और तेरा मन लग रहा है वहाँ पे? हाँ भाई, कति बढ़िया मन लग रहा है। चल बढ़िया है, लेकर ले आशीर्वाद। हाँ भाई डार्लिंग, एंजॉय चल रहा है हमारे बिना है। ये बता कब आएगा? बस जल्दी आऊंगा। क्या हुआ भाई, तेरी याद सी आ रही है? बेटे मजे लेने छोड़ दो तुम, बाकी मैंने कोई दिक्कत ना है यहाँ, मेरे तो दोस्त भी बन गए यहाँ पे बढ़िया से। वो भी हमारे जैसे हैं। अरे कहाँ यार, थारी बराबरी थोड़ी कर सके कोई। बाकी फिर भी शाम को थोड़ी देर फ्री होता हूँ तो मार्केट घूमने चला जाता हूँ उनके साथ। अरे इससे ये पूछ, वहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं इसको?
अरे ये गुरु नु कह रहा है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। तुम्हारे होते हुए क्या दिक्कत हो सके। चल ठीक है ले इसकी भी सुन ले। वैसे ठीक है काफी टाइम से तू दुखी हो रहा था, तेरी नौकरी लग गया अब तू सेट हो जाएगा। हाँ ये तो है। चल ठीक है भाई तू अपने काम पे ध्यान दे फिर बाद में बात करते हैं। चल ठीक है ठीक है ठीक है भाई। अरे यारो दोस्ती बड़ी हसीन। बेटा तू ठीक तो है। हाँ पापा मैं तो यहाँ ठीक हूँ। आप मेरे को ये बताओ कल मैंने कुछ पैसे भेजे थे आपके अकाउंट में पहुँच गए। तबीयत ठीक है तेरी। अरे पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि कल रात को मैंने ज्यादा एसी ऑन कर दिया था तो मेरे को जुकाम हो गया था थोड़ा सा। आराम भी करता है या नहीं। हाँ बस यहाँ ऑफिस में काम तो बहुत ही कम है, सारा दिन आराम करना पड़ता है। बेटा तूने अपनी जॉब ढूंढने में मेहनत भी बहुत की है। पापा ये कैसी बात कर दी आपने, आपकी मेहनत के आगे मेरी मेहनत कुछ भी नहीं है, अभी तो मेरी शुरुआत है। चल ठीक है ध्यान रख अपना। ठीक है पापा आप भी अपना ध्यान रखना साथ में घर वालों का भी। ओके ठीक है। अरे क्या बात हुई, बुक तो बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं है? पढ़ना लिखना अच्छा लगता है तेरे को। भाई साहब पढ़ने का तो क्या ही बताऊं, पढ़ने का शौक तो इतना था, एक बार तो आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहा था लेकिन घर की जिम्मेदारियां इतनी थी सर पे, तैयारी छोड़ के प्राइवेट नौकरी की तलाश में निकलना पड़ गया। भाई तू यहाँ 7-8 घंटे काम करते हैं, बाकी जो टाइम बचे तेरे पास तू उसे पढ़ ले अगर, और किताब तो मैं और भी ला दूंगा तू बता दियो मेरे। वैसे भाई साहब आप मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो। अरे किसी बात कर दे भाई, करण वाला तो ऊपर वाला है, आपा तो उसके कदमा बचा ले हैं बस। शायद ऐसा भरोसा आप दूसरे इंसान हो जिसने मेरे पे किया है। भाई आज तक तू इसीलिए कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि आगे चल कर जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करेगा। भाई एक बात बताऊं, कदे कदे तो मुझे ऐसा लग गया है कि तू मिडिल क्लास लड़के होने के साथ साथ एक दिल टूटा आशिक भी है। हाँ ये बात सच है, लेकिन मैं एक बात मानता हूँ, जब जब एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के का दिल टूटता है उसने कुछ बड़ा रचा है जिंदगी में, और मैं भी रच के ही रहूंगा। चल ठीक है भाई। गगन तुम हटिया सी पिछे छाल लौड़ दूं मैं कदे भी मदान नहीं सी छटिया। वैसे तमीज तने आज भी ना आई कि एक आईएएस ऑफिसर से कैसे बात करते हैं। सॉरी सर। हाँ भी लाडलो, रात के 2 बजे तक की हुई गर्लफ्रेंड से बात हमको 2 रुपए की टोपी तक ना दिलवा सकती, लेकिन रात भर जाग के अपने सपनों के पीछे की हुई मेहनत हमको लाल बत्ती की गाड़ी में जो बिठा सके। बड़ी आई हो दुखी तकी वांगू पावे पैर तके नी हो पर जागे देखी हो कमाते जके नी बुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम। हेलो गाइस क्या हाल है सबके, तो कैसी लगी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और कितने मिडिल क्लास फैमिली के लड़कों तक ये वीडियो पहुंची है वो लाइक करके जरूर बताना या फिर कमेंट कर सकते हो ताकि हमें पता चल जाए कितना तक पहुंची है, और प्यार तो आप दे देते हो लभी तो है ही सबको। और एक और जो बात मैं सोच रहा था कि अपनी YouTube की प्रोफाइल चेंज कर दूं, तो आप ही बताओ कि चेंज करनी चाहिए या नहीं, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे तभी उस हिसाब से देख लेंगे करनी या नहीं। बाकी बाय, टेक केयर, लव यू।